और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो प्रयागराज से आ रही है। प्रयागराज से खौफनाक वारदात सामने आई है। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या प्रयागराज में कर दी गई है। आपको बता दें घटना प्रयागराज के नवाबगंज थाना क्षेत्र के खगलापुर गांव की है। 42 साल के राहुल तिवारी अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ रहते थे। 5 की हत्या कर दी गई है। हत्या किसने की और इसके पीछे की वजह क्या है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। पत्नी, पति और 5 बेटियों की हत्या हुई है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। हत्या किसने की और इसके पीछे की वजह क्या है, इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। प्रयागराज में हत्या पर बवाल अब जारी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है, लिखा गया अपराध की सुबह अपराध की प्रयागराज में राहुल तिवारी समेत उनके परिवार के लोगों की धारदार हथियार से काट करके उनकी हत्या कर दी गई है। नृशंस हत्या विचलित करने वाली घटना है। समूचा यूपी अपराधियों से कांप रहा है। तो योगी सरकार पर समाजवादी पार्टी का हमला, सीएम बताएं उनका बुलडोजर आखिर कहां चल रहा है। घटना प्रयागराज से है। एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई है और अब इस पर सियासी घमासान तेज हो गया है। ABP News आपको रखे आगे।